हाय, दिस इज मोहम्मद रहीम फिल्म क्रिटिक एंड यू आर वाचिंग एटी टीवी नेटवर्क। बॉक्स ऑफिस वीकेंड पर इस हफ्ते रिलीज हुई है कपूर एंड सन्स सिंस 1921। फॉक्स स्टार स्टूडियोज प्रेजेंट्स एंड धर्मा प्रोडक्शन प्रेजेंट्स। प्रोड्यूस्ड बाय हीरो यश जौहर, करण जौहर, अपूर्वा मेहता। रिटर्न बाय आयशा देवित्रे ढिल्लन, शकुन बत्रा। डायरेक्टेड बाय शकुन बत्रा। कपूर एंड सन्स इज अ वर्थी मूवी। दिमाग खराब है, तुम्हें घर पे नहीं पागल खाने में रहना चाहिए। डैड बेस्ट है ना, तब तो तुम्हारा रास्ता साफ। फिर तू छूट गया। एक मेरी मरी हुई फोटो ले, देख जैसे मैं बहुत क्यूट लग रहा दादू। मेरी दादी जिंदा होती तो पक्का आपकी सेटिंग कराया था। अच्छा, तेरी मम्मी नहीं है। So let's we talk about the movie story, screenplay and dialogues. It is a story of cluttered family of unresolved interpersonal issues and the film shoot in natural locations Kunnur in Tamil Nadu. Is family mein hai dad Harsh Kapoor played by Rajat Kapoor and his wife Sunita played by Ratna Pathak and grandfather of Rahul Kapoor played by Fawad Khan and Arjun Kapoor played by Siddharth Malhotra. Harsh और सुनीता में किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता है। हर्ष की सैलरी काफ़ी नहीं है इस फैमिली को चलाने के लिए। सुनीता खुद कुछ करना चाहती है लेकिन हर्ष उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। इन दोनों के साथ हर्ष के पिता 90 ईयर्स ओल्ड प्रोस्थेटिक मेकअप में ऋषि कपूर आपको नजर आएंगे, जो बहुत जॉली गुड टाइप कैरेक्टर में है। अचानक उन्हें हार्ट अटैक आता है और हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। ऋषि कपूर के ग्रैंडसन्स राहुल, जो कि लंदन में एक सक्सेसफुल राइटर है, वहीं दूसरी ओर अर्जुन, जो कि अमेरिका न्यू जर्सी में बारटेंडर की नौकरी कर रहा है, ये दोनों अपने दादाजी के लिए 5 साल बाद अपने पिता के यहाँ रहने आते हैं। माता पिता का वही लड़ना झगड़ना फिर से इन्हें देखने को मिलता है। सुनीता अपने बड़े बेटे राहुल को बहुत परफेक्ट बेटा मानती है क्योंकि वो सक्सेसफुल है अपने करियर में। पिता हर्ष अपने छोटे बेटे अर्जुन की हरकतों से परेशान है क्योंकि वो कोई भी काम सही ढंग से नहीं करता और हर बार अपनी नौकरी बदलते रहता है। अर्जुन के अंदर कहीं ना कहीं ये जेलेसी जरूर है कि उसके माता पिता उसे कम और राहुल को ज्यादा चाहते हैं। अरे लोन का इंस्टॉलमेंट देना था। 3 साल से मैं अपने बिजनेस के लिए मैं बचा रही थी। हो गया, सब मेरे बिना ही शुरू हो गए। तू खाली अपने प्रॉब्लम संभाल। यार आप हर बार मुझे ताने क्यों मारते हो? तू हमेशा बच्चों के साथ रिएक्ट करता है। अच्छा शट अप राहुल, यू शट अप। एक पार्टी में अर्जुन की मुलाकात टिया मलिक से होती है। टिया मलिक प्लेड बाय आलिया भट्ट। आलिया भट्ट का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छे से इस फिल्म में दिखाया गया है। टिया मलिक अपने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी रेंट पर देने के लिए कुन्नूर इन तमिलनाडु आई हुई है। उसका घर राहुल को पसंद आता है और राहुल टिया को पसंद आता है। साथ ही साथ अर्जुन और टिया में भी दोस्ती हो जाती है। टिया को ये पता नहीं है कि राहुल और अर्जुन दोनों भाई हैं। ग्रैंडफादर ऋषि कपूर, जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, उन्हें खुश करने के लिए एक सरप्राइज पार्टी घर पर रखी जाती है। यहाँ आलिया को पता चलता है कि राहुल और अर्जुन दोनों भाई है। नॉर्मली मेरी फैमिली ऐसे बिहेव नहीं करती। करेक्शन, मेरी फैमिली पब्लिक में ऐसे बिहेव नहीं करती। शिबी, आप ही तुम्हारी फैमिली तो है। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चल। हाय हाय, तुम किससे जानते हो सर? तुम दोनों एक दूसरे कैसे जानते हो? मैं लड़की ब्यूटीफुल। इस पार्टी में हर्ष की पुरानी दोस्त भी आती है। ये बात सुनीता को नागवार गुजरती है और सुनीता भरी पार्टी में हर्ष यानी अपने पति की इंसल्ट कर देती है और इस तरह फिर से एक नया झगड़ा शुरू हो जाता है। इस बीच फैमिली पिक्चर के लिए राहुल और अर्जुन के चाचा चाची सब आते हैं। अचानक सुनीता राहुल का लैपटॉप खोलती है, तब सुनीता के सामने राहुल का सच आ जाता है और ये सच क्या है आपको फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। राहुल अपने पिता का सच जान लेता है और अपनी माँ को बता भी देता है। क्या छुपा रहा हूँ तुझसे? क्या छुपा रहा हूँ तुझसे मैं? Really? इस घर में कोई भी दूध का धुला नहीं, ये सब झूठ बोलते हैं। और मेरे में कीड़े निकालने से पहले व्हाट डू यू ट्राई टू सेव योर ओन ब्लडी मैरिज? 5 साल के बाद तुम दोनों यहाँ साथ आए हो, क्यों जानवरों की तरह बिहेव करना जरूरी है क्या? मेरी गलती है माँ, सबको वैसे कोई जरूरत था।
इस तरह कपूर एंड सन्स की फैमिली पिक्चर फोटो अधूरी रह जाती है। राहुल और अर्जुन वापस लंदन और अमेरिका चले जाते हैं। इस बार अर्जुन की भी कहानी नॉवल का रूप ले लेती है। अपने दादाजी के वीडियो कॉल फोर्स पर फाइनली राहुल और अर्जुन दोबारा आते हैं एंड देन कपूर फैमिली की पिक्चर कंप्लीट होती है। फिर से खुश नहीं हो सकते? I love you, just come back. I missed you. मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार के साथ एक फैमिली फोटो हो जिसके नीचे टाइटल होगा कपूर एंड सन्स सिंस 1921। तो ये थी इस फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स, जो कि इस फिल्म में बहुत अच्छे तरह से लिखे गए हैं। खासकर स्क्रीन प्ले के अंदर हर कैरेक्टर का अपना एक कैरेक्टराइजेशन को बहुत ही डिटेल वे में दिखाया गया है और उसी कैरेक्टराइजेशन को लेकर सीन्स बनाए गए हैं जो कि आपको देखने में बहुत ही हर कैरेक्टर अपना जस्टिफिकेशन देता हुआ आपको इस फिल्म में ज़रूर नज़र आएगा। अदर टेक्निकल कास्ट की अगर हम बात करेंगे तो शकुन बत्रास डायरेक्शन इज फैबुलस, सिनेमाटोग्राफी जेफरी एफ बेरमन इज स्टडी, एडिटिंग शिव कुमार वी पेनिकर इज स्मूथ, म्यूजिक अमाल मलिक, बादशाह आर्को बेनीडयाल, तनिष्क बागची स्पेशली लड़की ब्यूटीफुल, बादशाह ट्रैक इज कैची एंड एंजॉयबल। हर पार्टी और पब में आपको ये गाना सुनने को ज़रूर मिलेगा। परफॉर्मेंस वाइज की अगर हम बात करेंगे तो फवाद खान इज स्टोलन द शो विथ एन इम्प्रेसिवली मॉड्यूलेटेड कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस एज एन अचीवर। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी अपने कैरेक्टर की बाउंड्रीज में रहकर अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने निभाया है। आलिया भट्ट का सेंस ऑफ ह्यूमर वाले सीन्स आपको हंसाएंगे ज़रूर इस फिल्म के अंदर, और आलिया का एक ट्रैजिक सीन भी जो वो नरेट करती है सिद्धार्थ के सामने, उसका वो परफॉर्मेंस आपको भी इमोशनल ज़रूर करेगा। स्पेशली रजत कपूर और रत्ना पाठक ने बहुत खूबी के साथ एक झगड़ालू पति पत्नी के कैरेक्टर को अच्छे ढंग से निभाने की पूरी कोशिश की है, और उन दोनों के बीच का एक झगड़ा स्पेशली जो इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है, जब ये दोनों झगड़ते हैं तब प्लम्बर आकर जब अपने बाथरूम की फिटिंग बदलता है, इस बीच प्लम्बर का इंटरप्शन और इन दोनों का झगड़ा, ये सीन बहुत ही कॉमिक वे में शूट किया गया है और ऑडियंस देखकर हंसे बिना नहीं रह सकती। ऋषि कपूर अपने प्रोस्थेटिक मेकअप में और अपने जॉली गुड कैरेक्टर के साथ इंसाफ किया है। प्रोस्थेटिक मेकअप की अगर हम बात करेंगे तो ये मेकअप परफेक्शन के साथ ऋषि कपूर पर नहीं किया गया है। तो ये था कपूर एंड सन्स का रिव्यू, और एटी टीवी नेटवर्क इस फिल्म को देता है 3 स्टार। सो कीप वॉचिंग एटी टीवी नेटवर्क, जो आपको बॉलीवुड के साथ साथ टॉलीवुड की एंटरटेनमेंट न्यूज गॉसिप के लिए आपको 24/7 अपग्रेड रखता है। सो देखते रहिए एटी टीवी नेटवर्क, और मुझे मोहम्मद रहीम फिल्म क्रिटिक को दीजिए इजाजत। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।